आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री। हियर फोर ऑप्शंस आर गिवन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। हम 10 9 डिग्री प्लस 10 18 डिग्री 81 डिग्री को एक संग लिख लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा 10 27 डिग्री और 10 63 डिग्री एक संग आ जाएगा। क्वेश्चन से हमें क्लियर है कि अगर हम 90 में से 9 को माइनस करेंगे 81 आएगा। सिमिलरली हियर 90 में से 27 को माइनस करेंगे 63 आएगा। तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे 10 90 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग फेज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 10 9 डिग्री को लिख सकते हैं यहाँ पे, या हम 10 81 डिग्री किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम 10 9 डिग्री को एज इट इज लिखते हैं। हम 10 81 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। सो हम लिख सकते हैं इसको 10 90 माइनस 9, बिकॉज 81 को 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हम 10 27 डिग्री को एज इट इज लिखते हैं, बट हम 10 63 डिग्री को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 27। सो इट मीन्स बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी द टर्म विल बी कन्वर्टेड इंटू 10 9 डिग्री and 10 90 minus theta means cot theta, cot 9 degree. Similarly, in this bracket, 10 27 degree plus बन जाएगा हमारा cot 27 degree. Now, हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। एज वी नो कि जो 10 थीटा होता है हमारा, 10 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos theta upon sin theta. So, इस बेस पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन प्लेस ऑफ 10 theta cot theta हम इसे रिप्लेस करेंगे। तो 10 theta को हम लिख सकते हैं sin 9 degree upon cos 9 degree plus cot theta को cos 9 degree upon sin 9 degree. Similarly, in the bracket 10 27 degree means sin 27 degree upon cos 27 degree प्लस cot 27 means I can write it cos 27 degree upon sin 27 degree. Now taking LCM, so LCM is cos 9 degree and sin 9 degree. So हमारा जो numerator part है वो हो जाएगा sin 9 degree whole square plus cos 9 degree whole square. In the bracket similarly जब हम वो लेंगे LCM तो ये हमारा आ जाएगा cos 27 degree इंटू साइन 27 डिग्री। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री का स्क्वायर प्लस ये हमारा बन जाएगा कॉस 27 डिग्री का स्क्वायर। एज वी नो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी अगर एंगल सेम है, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1. सो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है ये वाला दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ये होल पार्ट 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट मीन्स हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री एंड इन द ब्रैकेट 1 अपॉन साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। अनदर वन मोर आइडेंटिटी, वी नो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इट मीन्स हम यूज कर सकते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा शुड बी सेम हियर। सो अगर हम इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है बोथ साइड हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन 2 थीटा, मीन्स एंगल जस्ट डबल 9 डिग्री का डबल 18 डिग्री साइन 18 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे ये बन जाएगा साइन 54 डिग्री 27 का जस्ट डबल। इट मीन्स अब हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेके अगेन हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। और न्यूमरेटर पार्ट हमारा आ जाएगा, जब हमने 2 कॉमन ले लिया है तो हमारा न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके
न्यूमरेटर पार्ट में फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी माइनस साइन डी, सो जो हमारा फाइनली 2 इंटू आ जाएगा 2, साइन सी माइनस साइन डी मीन्स ये बन गया हमारा 2 cos 36 डिग्री ए प्लस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी मीन्स हमारा आ गया इंटू साइन 18 डिग्री। सिमिलरली हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट है जो कि हमारा साइन 18 डिग्री एंड साइन 54 डिग्री था, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, जो हमारा साइन 18 डिग्री को तो हम एज इट इज लिख देंगे, जो हमारा साइन 54 डिग्री है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे आइडेंटिटी से, बिकॉज साइन 54 डिग्री को लिखा जा सकता है अगेन साइन 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी से 90 माइनस 36 डिग्री, एंड वी नो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इट मीन्स कॉस 36 डिग्री आ जाएगा, इट मीन्स साइन 54 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 54 डिग्री। अब क्लियर है कि हमें पूरा का पूरा न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रिमेनिंग पार्ट होगा 2 इंटू 2, इट मीन्स जो हमारा सॉल्व करने पे आंसर आया वो हो गया 4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।